जनता जागरूकता अभियान संगठन अररिया द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन। जोकीहाट प्रखंड में समाज सेवक अजीमुद्दीन ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जनता जागरूकता अभियान संगठन अररिया द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना जिला मुख्यालय परिसर में दिया गया, जिसमें संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता श्री अली बाबा ने किया। संगठन के लोगों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभुकों को पूरा नहीं मिल पा रहा है, वहीं बिचौलियों इसका फायदा उठा रहे हैं। योजनाओं का लाभ लाभुक तक पहुँचे, इसलिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग आज जो धरना जो दे रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या मुख्य मांगे हैं? इसमें हम लोगों का मुख्य मांगे है, पहला एक नंबर हम लोगों का मांग है 12 अवधा, जिसमें जिसका हक बनता है, जो 12 अवधा बारिश से प्रभावित रहा उसको उसका लाभ नहीं मिला, जो प्रभावित नहीं रहा उस तरह के लोगों को संपन्न परिवार को दिया गया। लिहाजा एक परिवार में अपने सगा संबंधी एक परिवार में दो दो चार चार आदमी को दिया गया, जो कानूनी अपराध है और सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। पहला मुद्दा ये हम लोग का। दूसरा मुद्दा ये है कि गरीब वंचित लोग जो हैं आज बीपीएल से महरूम है। बीपीएल के कारण उसका 60 से 70 साल उम्र हो चुका है। बीपीएल के कारण उसका न वृद्धा बन रहा है, न इंदिरा आवास मिल रहा है, सरकारी मतलब अन्यथा कोई भी लाभ उसको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि हमारे गरीब को, गरीब के लिए जो भी योजनाएं आती है सरकार भेजती है, उस तक नहीं पहुंचता है। और इसका नहीं पहुंचने का कारण ये है कि उसमें दलाल बिचौलिया, कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के जरिए से ये बिचौलिया के द्वारा गरीबों को लूटा जाता है, लेकिन लूटने के बाद भी उनको उनका लाभ, उसका हक उसको नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ये आम सभा रखे हैं। हमारा सभा का नाम है जनता जागरूकता अभियान। इसका अध्यक्ष है मोहम्मद अली बाबा, जो मैं हूँ, मोहम्मद अली अली बाबा नाम से जाने जाते हैं। और हमारे संगठन की ये पूरी ताकत है कि जब तक हम लोग ये जान में जान रहे, हमारे संगठन की जान में जान रहे, हम लोग इस गरीब के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। यहाँ से लेकर दिल्ली पुणे जाना पड़े, हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और निस्वार्थ भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ना हम लोग कोई घोड़बाड़ का चक्कर है, कुछ नहीं। हम लोग अल्लाह के वास्ते करते हैं, ईश्वर के वास्ते करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने सबको एक समान, एक इंसान बनाया है। हमारा एक ही सोच है कि हम सब भाई भाई हैं, और हर भाई को जो जिस लायक है उसका हक उसको मिलना चाहिए, उसका हक के लिए हम लोग एक ही आग्रह है गरीब यतीम बेवा मिस्कीनों से कि आप लोगों से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए कि आप लोग अपना दुआ आशीर्वाद हम लोग को दीजिए कि हम लोग का और बल में बल हो, ताकत हो, क्योंकि हम लोग भी ये अभियान जो चलाते हैं, हम लोगों की तरफ बहुत लोग गलत नजर से देखते हैं। हम लोग को हर बड़ा मुसीबत से अल्लाह हमारे संगठन के लोगों को बचा के रखे, ताकि आपके हक के लिए, आपके हुकुम के लिए इंशाल्लाह हम लोग अंतिम क्षण तक काम करेंगे। और यही हमारा संगठन का मेन फैसला है, निर्णय है। और हमारे कुछ भाई
अभी बात करेंगे हमारे अध्यक्ष मोहम्मद परवीन अहमद साहब ने ये बोले कि आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन जो किए हैं आप लोगों का क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि आज़ादी होने के बाद से अब तक 67 साल हो गया, लेकिन गरीब लोग जो है अभी भी अपने हक के लिए तरस रहे हैं, उसको पुरसाने हाल कोई नहीं है। और जो दबंग लोग होते हैं समाज में, दबंग वो उनको चूसते, उनको जो है पेड़ते हैं, और जब सिद्धि बच जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। हम इसलिए यहाँ आए हैं। अपना एड्रेस बताओ पहले, कहाँ से आए, अपना नाम बताओ। सुसाघाटा प्रखंड के जागीर उत्तराखंड पंचायत के हम सरपंच, इसलिए हम यहाँ आए हैं जो कि हमारे प्रखंड में जो भी सरकार ने बाढ़ आपदा हमें दिया, और घर घर में एक व्यक्ति पर जैसे सरकार ने कहा कि एक व्यक्ति को बाढ़ आपदा मिलना चाहिए, अतः हम लोगों को नहीं मिलने के कारण आज हमारे घर घर में, जो कि हम सरपंच होने के नाते से हमारे घर के सभी जनता माता और बहन सभी आकर के हमें ही कहते हैं कि आप सरपंच हैं हमारे पंचायत का, आप हमें निर्णय दिलाइए कि हमें बाढ़ आपदा से मुखिया क्यों वंचित कर दिए हैं। सरकार लोग बोल रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे। स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक जिंदा मिसाल ये है कि नीचे स्तर से काम करना होगा। ये जिंदा मिसाल आपके सामने है। नाम बताइए भाई, क्या आपका? घर पुरंदा। हाँ, आपको परेशानी क्या है? जब हमारे समाज में एक अंधे लोगों को बिनाई देने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि नहीं देख सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं देख सकते हैं, जब इसके लिए आदमी को बहाल किया गया है, तो अभी भी हमारे सामने में अंधे आदमी है जो कि अभी तक कोई भी चीज का सहायता राशि नहीं दिया गया है। हमारा एक ख्वाहिश है और सभी लोगों की ख्वाहिश है कि जनता अभियान जो हम लोगों ने बैठक की है, तो डीलर की और माल सरकार की तरफ से आती है, उसमें हमारा कटौती क्यों होता? अगर कटौती होती है तो राशि फुल लेता है, माल कम देता है, फुल से भी ज़्यादा लेता है। मैं बांसवाड़ी पंचायत का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फरोज आलम है, और सारे डीलर का यही हाल है। मैंने निरीक्षण किया है, लगभग हर जगह यही बात होती है, पूरा प्रखंड का यही हाल है, आर्या प्रखंड के गरीबों का हाल जो केंद्र से आता है, राज्य से आता है, जो प्रत्याभूत होता है, उसमें कटौती क्यों की जा रही है? हमारे आवास योजना में पहले 20,000 रुपया दो तो घर बनेगा, पहले 5,000 रुपया दो तो टॉयलेट बनेगा, ये क्या तरीका है ये हमको बताइए आप लोग। ये जो तरीका है, ये तरीका तो जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है, ये आम जनता का लूट खसोड़ जो है, ये हम लोगों को जो लूटा जा रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है। पहले घर बनने से पहले 20,000 रुपया उसको दे दीजिए, तब आपके खाता में पैसा आएगा। आज जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय में सुसना पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व सुसना पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता श्री अंजुमुद्दीन ने किया। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि राजेश, एक तो जो है हम लोग जो है बिल्कुल जो है गरीबी रेखा से नीचे के गुजर बसर करने वाला आदमी है, दिल्ली पंजाब मजदूरी करके हम लोग काम धंधा करते हैं, खाते हैं, और बहुत कठिन की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। और हम लोग के लिए जो सरकार जो भेजता है, ये क्या कहते हैं, राशन और चिराशन, डीलर लोग जो है इसमें जो है सरकारी रेट नहीं लेता है, वो अपना रेट बैठाया है, एमओ और डीलर सब मिल करके जो है उन लोग अपना रेट बैठाया है। हमारा क्या कहते हैं कि 4 यूनिट है, 4 यूनिट में हमको 20 किलो गेहूं चावल मिलना चाहिए, 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल मिलना चाहिए, लेकिन उसके जगह हमको 16 किलो ही मिल रहा है, और 16 किलो का जो है उसमें जो है वो कम से कम 30 रुपया वो ज़्यादा लेता है, हमारा माल भी 4 किलो लेता है और 30 रुपया ज़्यादा भी लेता है। तेल हमारा जो है यूनिट में 3.25 लीटर है, हमारा यूनिट में तेल 3.25 लीटर है, 2 ही लीटर देता है, और 1 लीटर को 24 रुपये लेता है। हम कहते हैं भाई 24 रुपये ही लेते हो ठीक है, लेकिन हमारा जितना माल है उतना दो, बोलता है इतना नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है। आप कौन हुआ? हम भी आए हैं कंप्लेंट करने के लिए।
और दूसरा चीज ये है सर, है कि मुखिया लोग मेंबर लोग अपना अपना चिन्हित लोगों को दिया, बाकी जो जिसका घर में पानी गया उसको कुछ नहीं मिला, जिनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उन्हीं उन्होंने को लेकर के दे दिया। और हम लोग कहते हैं बोला जाओ सरकार से खोजो। समस्या ये है कि जो है लेबर कार्ड हम लोगों को जो बना है वो अभी तक भत्ता हम लोगों को नहीं मिला।